पवन सिंह का नामांकन हो सकता है रद्द, पवन सिंह की जगह पे पवन सिंह की मां चुनाव लड़ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। कल हमने रात में एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में आप सभी को बताया कि अगर किसी कारणवश अगर पवन सिंह का नामांकन रद्द हो सकता है तो पवन सिंह की जगह पे पवन सिंह की मां चुनाव लड़ सकती हैं। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पवन सिंह अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और पवन सिंह की माँ भी अपना नामांकन दाखिल कराया है। फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पवन सिंह की माँ ने इसलिए नामांकन दाखिल कराया है, किसी वजह से पवन सिंह का नामांकन रद्द हो जाता है तो पवन सिंह की माँ चुनाव लड़ेंगी और पवन सिंह चुनाव प्रचार करेंगे अपनी माँ का। और यही बात हमने सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को रात में बताया, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आने लगा कि फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। और अब देख लो, बड़े बड़े चैनल वाला भी न्यूज बना दिया है और बिहार तक पे भी एक पोस्ट किया गया है। चलिए उस पोस्ट को आप सभी को पढ़ के सुना देता हूँ इस वीडियो में। लिखा हुआ है कि कराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह की माँ प्रतिमा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया। 9 मई को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने कराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। चर्चा है कि पवन सिंह पर बीजेपी नामांकन पत्र वापस लेने का दबाव बना सकती है, उम्मीदवारी वापस नहीं लेने पर उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। शायद इसी वजह से पवन सिंह ने अपनी माँ का नामांकन दाखिल करवाया है। और नीचे चौंकाने वाला बात लिखा हुआ है, चलिए वो भी पढ़ देता हूँ। दूसरी तरफ कयास ये भी लग रहे हैं कि पवन सिंह के नामांकन पत्र में संभवतः कोई चूक हो सकती है, अपना नामांकन खारिज होने की आशंका को देखते हुए उन्होंने अपनी मां का नामांकन पत्र दाखिल कराया है। हाँ, तो दोस्तों कुल मिलाया जुला कर पवन सिंह को कहीं ना कहीं डर है कि मेरा नामांकन रद्द ना हो, इसी वजह से अपने मां का नामांकन दाखिल कराए हैं। अगर रद्द भी हो जाता है तो पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं अपनी माँ की जगह पर। वीडियो पसंद है तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।